हेलो दोस्तों, आपका आरकेयू टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जो जीमेल में जो हमसे जाने अनजाने में या कोई हमारी मेल के साथ छेड़छाड़ करके कोई मेल हमारी ज़रूरी मेल डिलीट कर देता है, हम उसको रिकवर कैसे करें, हम उस मेल को वापस कैसे लेके आए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जो कि हमारी आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, हम वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी जीमेल ओपन करते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पर हैं, अपने जीमेल ओपन करते हैं हम अपनी। ये हमारी जीमेल है, इसमें हम पासवर्ड डालते हैं। ये हमने अपनी जीमेल ओपन करी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी ऊपर ये मेल है मनीष राणा करके, हम इसको डिलीट करेंगे। ये हमने डिलीट कर दी। यहाँ पे ये एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी मेल यहाँ से डिलीट हो गई मनीष राणा। ये साइड में गए, हम मोर पे क्लिक करेंगे, फिर ट्रैश में जाके क्लिक करेंगे। ये हमारी मेल यहाँ पर आ गई है दोस्तों। इसके अंदर ना हमारे 30 दिन तक मेल यहाँ पे रुकती है। 30 दिन के बाद करते हैं तो ये हमें यहाँ से सारी मेल हट जाती है और हमें कहीं नहीं मिलेगी ये मेल। हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन है मूव टू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन है जहाँ भी हमें अपनी मेल वापस लेके जानी है, हमें इनबॉक्स में लेके जानी है। इनबॉक्स पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इनबॉक्स पर वो हमारी मेल यहाँ से हट गई है और इनबॉक्स में ये वापस वहीं आ गई हमारी मेल जहाँ थी। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर हम ट्रेस के अंदर जाती है तो 30 दिन तक ही रहती है। 30 दिन से पहले अगर हटानी है तो हटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।